हेलो स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस सम यूजफुल रिजल्ट ऑन इरेशनल नंबर। बेटा मैंने इससे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया, अभी आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ टॉपिक मैंने पहले करवाए हैं और कुछ टॉपिक मैंने बाद में करवाए हो, क्योंकि बुक में जिस ऑर्डर में दे रखे हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूँ मैं। जो टॉपिक आपको समझने में ईजी लगे उसको पहले करवा रहे हैं, जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है उसको मैं बाद में करवा रहा हूँ। तो इससे पहले हमने किया था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम कर चुके हैं सेमी सर्किल मेथड। अब हम करेंगे सम यूजफुल रिजल्ट ऑन इरेशनल नंबर। इसमें पहला है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एग्जांपल जैसे अंडर टू है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर। तो इसके अगर आगे नेगेटिव लगा देंगे माइनस अंडरूट इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो किसी इरेशनल नंबर का अगर नेगेटिव ले लिया जाए तो वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये आपको पहला रिजल्ट ध्यान रखना है। दूसरा है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का अगर सम किया जाए तो हमेशा ही क्या होता है? इरेशनल। जैसे ये थ्री क्या है? रेशनल। थ्री क्या है? रेशनल। अंडर रूट टू क्या है? इरेशनल। अब इनका हम सम करेंगे तो थ्री प्लस अंडर रूट टू। अब थ्री प्लस अंडर रूट टू अपने आप में क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो किसी भी अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड किया जाए तो रिजल्ट शुड बी इरेशनल नंबर। इसको आप थ्री रूट टू नहीं कर सकते, इसको आप थ्री अंडर रूट टू नहीं कर सकते, क्योंकि थ्री अंडर रूट टू तब आएगा जब थ्री का अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा। तो थ्री अंडर रूट टू हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट गलत होगा। ठीक है, इसके हम डिस्कशन आगे करेंगे। थर्ड है, इसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जैसे ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। इसे क्या बोलेंगे? इनटू को प्रोडक्ट। तो थ्री अंडर रूट टू, तो ये वाला क्या नंबर आ गया? इरेशनल। ठीक है, रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा और फाइनली जो नंबर आएगा उस हम इरेशनल बोलेंगे। ये इसको रीड करेंगे थ्री अंडर रूट टू। ठीक है, इसमें थ्री रेशनल था, ये इरेशनल था, लेकिन ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि अभी तक इसमें अंडर रूट अभी तक बाकी है। जब तक अंडर रूट नहीं हटता तब तक ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये यूँ कहा जाए, इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में करें तो इसका पी इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो जो रेशनल नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट रिजल्ट है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, डिफरेंस किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर आए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अंडर रूट टू में मैंने ऐड कर दिया अंडर रूट टू, कितना आया? टू अंडर रूट टू। तो इरेशनल और इरेशनल को ऐड करने से नंबर क्या है? इरेशनल ही आ गया। ठीक है भाई, क्या आ गया? इरेशनल ही आ गया। अच्छा, अब जैसे अंडर रूट थ्री है, ये भी क्या है? नेगेटिव नंबर है इसका। अभी बताया था ना किसी इरेशनल नंबर का नेगेटिव उसका इरेशनल होता है। अब इनका हम सम करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ जीरो क्या आ गया? इरेशनल आ गया। तो दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर इनका किया जाए माइनस, जैसे अंडर रूट थ्री में अंडर रूट टू माइनस किया तो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, तो ये इरेशनल था। यहाँ देखिए अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू, तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है भाई,
क्योंकि ये आपस में माइनस नहीं हो सकते, इनको बोलते हैं अनलाइक इरेशनल नंबर। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये अंडर रूट थ्री में से अंडर रूट टू जाएगा तो अंडर रूट वन नहीं आएगा। ये बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये वन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अंडर रूट थ्री में से अंडर रूट टू माइनस नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। एक बात आपको ध्यान देना है, इरेशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है, एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक, ठीक है। लाइक का मतलब जैसे मान लो अंडर रूट टू है, फाइव अंडर रूट टू है, सेवन अंडर रूट टू है, ठीक है, वन रूट टू, फाइव रूट टू, सेवन रूट टू, सिक्स रूट टू, ये सारे के सारे लाइक हैं, सब में अंडर रूट टू सेम चल रहा है। अब ऐसा आ जाए थ्री अंडर रूट टू और फाइव अंडर रूट सेवन, तो इसमें देखो अलग अलग है, या ऐसा आ जाए अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री या फाइव अंडर रूट सेवन, तो इनमें कोई अनरूट जो नंबर इरेशनल डिसाइड करता है वो सेम तो है नहीं, जिनको बोलते हैं अनलाइक इरेशनल नंबर, ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो ये दो इरेशनल नंबर का अगर माइनस करते हैं तो इरेशनल नंबर आ जाएगा, अगर हम लाइक नंबर का करते हैं, लाइक समझते हो ना, सेम नंबरों का, सेम नंबर का करते हैं अपने, जैसे ये अनरूट सेवन अनरूट सेवन, ये दोनों सेम है, इनको बोलेंगे लाइक इरेशनल नंबर, इनका माइनस करोगे तो जीरो इरेशनल आ गया। अलग अलग होगा, जैसे अंडर रूट फाइव में से अंडर रूट टू करोगे तो अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू ही आएगा, किसी को लग रहा होगा अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू ऐसे कर देना, फाइव माइनस टू, बेटा ये गलत होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अनलाइक इरेशनल नंबर का सबट्रैक्शन नहीं होता, जैसा है वैसा लिखा जाएगा। हाँ, लाइक इरेशनल नंबर का माइनस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ध्यान रखें, इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है, अगर वो लाइक है तो रेशनल होगा, अनलाइक है इरेशनल होगा। हाँ, एक बात को ख्याल रखें कि अगर दो नंबर अनलाइक है तो उनका सम नहीं हो सकता, जैसे है वैसे ही रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनलाइक इरेशनल नंबर का सम नहीं हो सकता, उनका माइनस नहीं हो सकता, हाँ इन टू हो सकता है, अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट सिक्स, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, अनलाइक इरेशनल नंबर का सम नहीं हो सकता, माइनस नहीं, जैसे है वैसे लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई हो सकता है, और डिवाइड इस तरीके से अंडर रूट टू डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री ना, तो ये अंडर रूट टू बाई अंडर रूट ऐसे लगा सकते हैं, ये ऐसा आ जाए कि जैसे अंडर रूट सिक्स में डिवाइड करना है अंडर रूट थ्री का, तो हमें एक साथ लगा सकते हैं, कितना आया टू, अंडर रूट टू आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट टू बाई वन अंडर रूट टू होता है। तो अनलाइक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड तो पॉसिबल है, पॉसिबल तो ये भी है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये आगे सॉल्व नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएंगे, जैसे है वैसे ही आ जाएंगे, इनमें कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद एक न्यू नंबर या न्यू फॉर्मेट आता है, ठीक है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इरेशनल नंबर में दो कैटेगरी है, अगर अलग अलग हैं उनका सम और माइनस नहीं हो सकता, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ, लाइक नंबर की बात करते हैं अपने आप, हाँ जी, जैसे ये आ जाए थ्री अंडर रूट टू और सेवन अंडर रूट टू, अब दोनों में अंडर रूट टू, इनको बोलेंगे लाइक इरेशनल नंबर, तो यहाँ अंडर रूट टू कितनी बार है, तीन बार है, यहाँ कितनी बार है, सात बार, तो हम यूँ कह सकते हैं अंडर रूट टू सात बार यहाँ पर है और तीन बार यहाँ, टोटल कितनी बार हो गया, प्लस करें दस बार हो गया, ठीक है, तो अंडर रूट टू इज टेन टाइम, या ऐसे समझो कि थ्री अंडर रूट टू और सेवन अंडर रूट टू कितने हो गए, थ्री अंडर रूट टू और सेवन अंडर रूट टू कितने हो गए, टेन अंडर रूट टू, या यूँ समझ लीजिए कि इसमें आप अंडर रूट टू कॉमन निकाल लो बाहर, तो अंदर कितना बच गया थ्री, प्लस यहाँ कितना बच गया सेवन, थ्री प्लस सेवन कितना होगा टेन, और बाहर कितना अंडर रूट टू, तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइक हैं तो उनका एड हो जाएगा, अनलाइक है जैसे अंडर रूट 18 अंडर रूट 2, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बन एक साथ अंडर रूट लगा देंगे, और दोनों कैसे हैं देख लीजिए, अनलाइक है लाइक है, आपको लग रहा है ये अनलाइक है, चलो हम बाद में बताएंगे वो आपको अनलाइक है, ये लाइक पता कैसे करते हैं। तो 18 टू जो कितना हो गया 36, ठीक है, नंबर चाहे मल्टीप्लाई सबका पॉसिबल है, लाइक का हो चाहे अनलाइक का हो, ठीक है, अंडर रूट हम एक साथ लगा सकते हैं, 36 इसका रूट कितना आया 6 आ गया, तो ये अपने आप में क्या आ गया, रेशनल नंबर, ठीक है।
जबकि अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो इसका आ जाएगा 2√7, कितना आ जाएगा 14, ये आ गया इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब देखिए इसको वापस आते हैं, 18 × 2, 18 के फैक्टर करो, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, और ये 2√2, ठीक है भी। तो इन दोनों में से अगर 3 बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि इनका पेयर बन गया, 2√2 से बाहर नंबर कैसे आते हैं, पेयर बनाते हैं अपने, और ये अकेला ये अंदर दे जाएगा, ये अंदर दे जाएगा। तो 3 × 3 √2 कितना हो गया, ऐसे 2√2 बिन √2 क्या लगा देंगे, दोनों पर एक साथ लगा देंगे, तो 3 × इसका बाहर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा सिक्स। तो देखिए मैं ये बताया था आपको कि ये नंबर था ऐसे हो गया, ये आपका सेम चल रहा है। तो दोनों में यहाँ कितना है 3√2, यहाँ आपका 1√2, ठीक है, दोनों में 2√2 सेम चल रहा है। तो ये आपके कौन से नंबर हैं, लाइक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3√2 × 2, तो 3 × 3 √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखो जब भी सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर बनता है ना, 2√2 का क्या बन गया स्क्वायर, स्क्वायर से 2√2 कट जाए कितना आ जाएगा 2, तो कितना आया 6 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, एक और देखिए, जैसे 12 × 3 कितना आ जाएगा 36, वापस कितना आया 6 आ गया, ठीक है। तो ये भी कौन सा नंबर, देखिए जैसे इसको फैक्टर कर लिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 × 2√3, इसका बाहर 2 अंदर बच गया 2√3, यहाँ बच गया 2√3, ये कौन से नंबर है लाइक सेम है इसमें। तो 2 × ये कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई इसका कितना हो गया 3, कितना है 6 × 6 = 5, 1 / 2 / 3, ये कौन सा आएगा रेशनल आ गया, ठीक है भाई। अगर इनका हम डिवाइड करें तो 12/3 कितना आया 4 × 2, तो अगर दो इरेशनल नंबर का डिवाइड करने से क्या आया, रेशनल आ गया, ठीक है भाई। कई बार नहीं आता, जैसे मान लो इसमें डिवाइड करें 2√2 में, इसका डिवाइड करें 2√2 का, कितना 12/2 कितना 2√6 आ गया, तो ये क्या है इरेशनल। ये ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिवाइड इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ऐसे इनका मल्टीप्लाई इरेशनल हो सकता है, ठीक है, रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था पीछे वाले एग्जांपल में, जैसे मान लो 2√7 / 2√2 मल्टीप्लाई किया, ये 2√14, ये इरेशनल भी हो सकता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना सीखा आपने, ठीक है, कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड में इनके आंसर है वो रेशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं। और सबसे मेन बात है लाइक इरेशनल नंबर और अनलाइक इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका भी आप ध्यान रखें। थैंक यू।